सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एचसी क्लासेस के करंट पॉइंट ऑफ वन प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बुद्ध जयंती इस साल 26 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कठिन साधना के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। बुद्ध भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन वृतांत के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराइयों में स्थित लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये सर्वविदित है कि युवावस्था में उन्होंने मानव जीवन के दुखों को देखा, जैसे रोगी व्यक्ति, वृद्धावस्था एवं मृत्यु को। इसके विपरीत एक प्रसन्नचित सन्यासी से प्रभावित होकर बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया। यहाँ बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया। इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समयानुक्रमित करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात 3 मुख्य पिटक बने। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए व्यवस्था के नियम हैं। सुत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत है। अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन है, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इन सब को पाली भाषा में लिखा गया है। आइए अब जानते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बुद्ध के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार आत्म दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या नैतिक अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं करना चाहिए। बुद्ध के दर्शन का दूसरा मुख्य विचार मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसका अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार के अतिवादी व्यवहार से बचना चाहिए। बौद्ध दर्शन का तीसरा प्रमुख विचार संवेदनशीलता है। यहाँ संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुखों को अनुभव करने की क्षमता। बौद्ध दर्शन का चौथा प्रमुख विचार यह है कि परलोकवाद की बजाय यह लोकवाद पर अधिक बल देते हैं। बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश परलौकिक धारणाओं को खारिज किया। बुद्ध दर्शन का पांचवा प्रमुख विचार यह है कि वे व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। बुद्ध दर्शन का छठा प्रमुख विचार हृदय परिवर्तन में विश्वास से संबंधित है। बुद्ध को इस बात पर अत्यधिक विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावनाएं होती है। जरूरी यह है कि उस पर विश्वास किया जाए और उसे समुचित परिस्थितियाँ प्रदान की जाए। एचसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।